वजह सिर्फ एक है कि मैं बचपन से ही तथागत बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ और उस पर ही मैं काम करता आया हूँ। सामाजिक न्याय मेरे लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, हिस्सेदारी भागीदारी मेरे लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। कोई पद समाज के स्वाभिमान से बड़ा नहीं होता, और जिस काम में 56 साल की उम्र में से 43 साल मैंने दिए, वही काम मैं आम आदमी पार्टी में रह के भी उसको बढ़ाने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि हिस्सेदारी भागीदारी देनी चाहिए पार्टी को, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ना है तो हमें किसी को केवल SC ST OBC माइनॉरिटी को वोट बैंक नहीं मानना चाहिए। लेकिन 13 लोग अब तक राज्यसभा भेजे, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं भेजा। 4 केंद्रीय पद है मुख्य रूप से, उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। 29 स्टेट में 29 अध्यक्ष हैं, 29 प्रभारी हैं, उसमें भी इन वर्गों की कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। तो अगर आप हिस्सेदारी भागीदारी देने को तैयार नहीं हो, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानते ही नहीं हो, तो जो विचारधारा फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, मनोहर कांशीराम साहब की मैं जिसको अपना के चलता आया हूँ, वो विचारधारा मुझे डिफीट होती नज़र आई। मेरा पूरा प्रयास रहा लगातार कि वो विचारधारा को वो स्वीकार करें, और मैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से पूरे देश में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाऊँ, सामाजिक न्याय के मूवमेंट को। लेकिन जब मुझे लगा मैं विफल हो गया हूँ, यहाँ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, और अगर विचार नहीं मिले तो साथ चलने का फ़ायदा क्या? विचार पति पत्नी का नहीं मिलता तो एक दिन वो भी तलाक तक स्थिति पहुँच जाती है। मैंने तो रह के साथ 1.5-2 साल तो मंत्री पद से रिजाइन करने के बाद भी लगातार प्रयास किए कि किसी तरीके से पार्टी इस सच को मान ले। नहीं माना तो ठीक है, नहीं मिलते विचार तो तलाक हो गया। आज उसके लिए उनका धन्यवाद, उन्होंने दिया किसी न किसी को तो देते, मेरे से पहले किसी और को दिया, फिर मुझे दिया, मेरे बाद किसी और को दिया। तो वो तो देखिए कोई एहसान नहीं है, किसी न किसी को तो देंगे ना। आपको लगा मैं इस काबिल हूँ, आपने दे दिया, चलिए मैं उसके लिए तो धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि आपने मुझे विधायक बनने का मौका दिया, मंत्री बनने का मौका दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने जमीर को ही गिरवी रख दूँ। इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं अपनी विचारधारा को छोड़ दूँ। अगर मेरी विचारधारा पर आपकी सहमति नहीं है फिर फायदा क्या है? या तो आप मुझे बनाने से पहले पूछ लेते कि आपकी ये विचारधारा है, हम तो इसको नहीं मानते हैं, फिर बनाते मत। और बनाया, और अगर मेरी विचारधारा सर्वजन कल्याणकारी है, पूरे भारत को जोड़ने वाली है, सबको साथ लेके चलने वाली है, सबको हिस्सेदारी भागीदारी देने वाली है, तो उसमें आपको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? देखिए मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। मैं जब आम आदमी पार्टी में जुड़ा वहाँ भी मैंने कुछ मांगा नहीं, जो कुछ मिला अपने आप मिला। मुझे जो भी जिम्मेदारी पूरे देश के अंदर जो काम देंगे, मैं तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही काम कर रहा हूँ, जो काम देंगे, जो देश को जोड़ने वाला हो, जो अहंकारी ताकतों को तोड़ने वाला हो, जो सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाला हो, जो नफरत को फैलाने वाली पार्टी को निस्तनाबूद करने वाला हो, तो उस काम के लिए मैं करूँगा।